नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की खास खबर। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाराणसी पहुंचे 50 किसान। तेलंगाना के निजामाबाद के 50 हल्दी किसानों का एक समूह शनिवार को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुँचा। हालाँकि उनका कहना था की वो किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। इस माध्यम से वो अपनी समस्याओं की और ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उनके प्रवक्ता ने कहा, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम समस्याओं को उजागर करना चाहते हैं और हमारी मांग है कि हल्दी बोर्ड का निर्माण किया जाए। इसके अलावा हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 15,000 रुपए प्रति क्विंटल हो। उनका कहना है कि उनकी समस्याओं को ना तो सत्तारूढ़ भाजपा सरकार सुन रही है और न ही पिछली UPA सरकार ने सुना। एक किसान ने कहा, यह समस्या UPA के कार्यकाल के दौरान भी हल नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसा ही किया। हम उनके खिलाफ नहीं हैं और न ही किसी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। जेट कर्मचारी की खुदकुशी के बाद पीएम मोदी से अपील, SBI से दिलवा दे एक महीने की सैलरी। कैंसर से जूझ रहे जेट एवरेस्ट के कर्मचारी शैलेश सिंह की आत्महत्या के बाद नेशनल एविएटर गिल्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि कर्मचारी को कम से कम एक महीने की सैलरी दिला दी जाए। जेट एवरेस्ट कर्मचारी का नेतृत्व कर रही NGA ने पीएम मोदी से अपील की है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक महीने की सैलरी जारी करने के निर्देश दिए जाए। NAG के अध्यक्ष करण चोपड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी को ईमेल के जरिए ये अपील भेजी है। इसके साथ एयरक्राफ्ट के डीजनरेशन को भी बंद करने की अपील की गई है। बयान में कहा गया है कि मानवीय आधारों को ध्यान में रखते हुए जेट के सभी कर्मचारियों को कम से कम एक महीने की सैलरी मुहैया कर दी जाए। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ भी हालत किंगफिशर की तरह बदतर हो जाए। हालांकि अक्टूबर 2012 में किंगफिशर के हजारों कर्मचारियों की इसी तरह कंपनी बंद होने के बाद नौकरी चली गई। कर्मचारियों की भी 8 महीने से ज्यादा सैलरी नहीं मिली थी। शुक्रवार को जेट एवरेस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव विनय दुबे से स्पष्ट कर दिया गया है कि सैलरी देने जैसा कोई भी वादा नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी की गोद लिए जयपुर को बना रहे आदर्श गाँव, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना ही हमारी नीति। विनीत मित्तल, वाराणसी सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांव विकास के लिए कारपोरेटर सामाजिक दायित्व प्रणाली काफी कारगर साबित हो रही। इसका बेहतर उदाहरण वाराणसी के गांव जयपुर में देखने को मिल रहा है। यही वही गांव है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया है। इसे विकास की और अग्रणी करने की जिम्मेदारी देश की अग्रणी सौर ऊर्जा कंपनी अवादा ग्रुप को दे दी गयी है। इस संबंध में अवादा समूह के चेयरमैन विनीत मित्तल का कहना है कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना ही हमारी उद्योग नीति है। इसके तहत हम बड़े स्तर पर समाज के कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, विद्युतकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं निश्चित कर रहे हैं। इसके द्वारा ही नए और भव्य भारत का निर्माण संभव है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।